नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ राकेश तारा। अगर बात की जाए तो कश्मीर घाटी को 12 बजे महबूबा मुफ्ती को जो है घर में ही नजरबंद किया गया। आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता कश्मीर घाटी से। नाज़रीन जेके न्यूज़ ब्रिक्स में जम्मू एंड कश्मीर से सबसे बड़ी खबर, क्योंकि आज सुबह 12 बजे महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया, क्योंकि उन्होंने एक विवादित बयान दिया था कि सईद अली शाह गिरानी के मौत के बाद सईद अली शाह गिरानी के जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की थी और पाकिस्तान का झंडा उनके ऊपर लपेटा था। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरी बात महबूबा मुफ्ती ने जो की है, उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो कल्याण सिंह है उनके ऊपर अगर बीजेपी का झंडा लहराया गया तो सईद अली शाह गिरानी पर वो पाकिस्तान का झंडा आज लहराया गया है। लेकिन ये बात वहाँ पर जो हुई है, क्योंकि उसी के विवाद बयान से उसको फिलहाल हाउस अरेस्ट किया गया था, क्योंकि महबूबा मुफ्ती बीच बीच में सुर्खियों में रहती है, क्योंकि वो ऐसे विवादित बयान देती है और उसे उसको नुकसान उठाना पड़ता है और वो हाउस अरेस्ट होती है। कैमरामैन उमर अफजल के साथ कश्मीर से मैं बशीर अहमद। बुद्दल के पंचायत केवल के सरपंच फारूक इनकलाबी की तरफ से ग्राम सभा बुलाकर लोगों को किया अवेयर। आइए दिखाते हैं इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट। पांच दिन के बाद कश्मीर घाटी में खुली इंटरनेट सुविधाएं। खैर मकदम नाज़रीन, आपको जेके न्यूज़ ब्रेक्स में मैं इस वक्त श्रीनगर शहर के नेशनल हाईवे पर हूं और आप मेरे साथ देख सकते हैं जिस तरीके से पांच दिन बाद कश्मीर में नेट बहाल कर दिया गया है, क्योंकि सईद अली शाह गिलानी की मौत के बाद नेट और जो ट्रांस सर्विस था उसको बंद किया गया था। लेकिन रोडों पर भी खारदार तार बिछाई दी गई थी और लोग काफ़ी मुश्किल का सामना कर रहे थे। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने पाँच दिन के बाद जब रस्मी चारुम सईद अली शाह गिलानी का बनाया गया, उसके बाद 7:45 पर इंटरनेट को बहाल कर दिया गया है और ये जो कश्मीर में हालात थे वो फिलहाल नॉर्मल से बना रहे हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ, आप दिखाइए जिस तरीके से आज ट्रैफिक सड़कों पर रवा दवा है और लोग अपने कारोबार में मशगूल है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, क्योंकि सईद अली शाह गिलानी हुर्रियत रहनुमा थे, उनकी वफात के बाद 5 दिन लगातार नेट और कॉल सर्विसेज को बंद कर दिया गया है और कश्मीर में जो हालात बने थे उन्होंने काफ़ी मुश्किल में लोगों को डाला था और लोग काफ़ी परेशान थे। लेकिन बिना अकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को यह सोचने पर मजबूर हो गए और उन्होंने कॉल सर्विस और नेट को बहाल कर दिया है। कैमरामैन उमर अफजल के साथ बांडीपुरा से मैं बशीर अहमद। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से जोरदार किया गया प्रदर्शन महबूबा मुफ्ती को लेकर। जिस तरह से आए दिन वो बयानबाजी करती हैं और इस पर अगर बात करें तो राकेश बजरंगी ने जोरदार किया प्रदर्शन और फूका महबूबा मुफ्ती का पुतला। देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है, जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर 2-3 दिन पहले सईद अली शाह गिलानी के मरने के बाद उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा दिया गया उसके परिवार के द्वारा, उसके बाद वहां की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया। उनके समर्थन में सीधी सीधी महबूबा मुफ्ती जो है वो आ गई है। 2-3 दिन से लगातार उनके बयान आ रहे हैं कि ये मरने वाले की आखिरी इच्छा थी। तो हम महबूबा मुफ्ती जी से पूछना चाहते हैं कि ये देशद्रोही कामों में शामिल होना ये कौन सी इच्छा होती है किसी की? ये शहीद अली शाह गिलानी वही हुर्रियत का जो है वो चेयरमैन है, जिसके ऊपर हजारों हिंदुओं के हत्याओं के जो है वो उनके ऊपर लगते रहे हैं, ब्लेम लगते रहे हैं। 27 साल वो चेयरमैन रहे हैं, कई दंगे फसाद जो है कश्मीर के अंदर उन्होंने करवाए, कई पत्थरबाज बनाए और कई मरवाए वहाँ के लोग, कई सेना पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी के लोगों की शहाद जो वहाँ शहीद हुए उनकी मौत का भी जिम्मेदार जो है वो शहीद अली शाह गिलानी था। देखिए, हमारे सनातन धर्म में मरने के बाद किसी व्यक्ति की निंदा नहीं की जाती, उसका सम्मान करते हुए पूरे देश में कहीं भी शहीद अली शाह गिलानी के मरने के ऊपर कोई जश्न का जो माहौल है वो इस प्रकार की कोई गणना नहीं हुई। लेकिन ये महबूबा मुफ्ती लगातार लोगों को वहाँ पर बहलाई जा रही है, भड़काई जा रही है और इस प्रकार के बयान दे रही है कि हम केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये आने वाले दिनों में कोई बड़ी अप्रिय घटना करवा सकती है। इसलिए हम लगातार मांग करते हैं और केंद्र सरकार से आग्रह भी करते रहे हैं,
कि इस महबूबा मुफ्ती के ऊपर कोई लगाम कसी जाए, इसको कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल में जो है इसके लिए कोई कमरा बुक करवाया जाए, क्योंकि ये खुला रहने के लायक नहीं है जिस प्रकार की इसकी हरकतें हैं। उसके साथ ही पाकिस्तान ने शहीद अली शाह गिलानी के मरने के ऊपर एक दिन का शोक रखा, तो ये सारे इनके रिश्ते जो हैं वो जग जाहिर हो गए हैं कि इनके तार जो हैं सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। महबूबा मुफ्ती खाती हिंदुस्तान का है, सुरक्षा इसको हिंदुस्तान की चाहिए, हर चीज उसको हिंदुस्तान से चाहिए, लेकिन उसका प्यार जो है वो पाकिस्तान के लिए उमड़ता है। तो बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ इमरजेंसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें लॉन्च किया गया अर्न वाइल लर्न स्कीम। कमाई भी होगी, 15 दिन पढ़ाई करेंगे और 15 दिन जॉब करेंगे, तो दिस इज ऑल अबाउट अर्न वाइल यू लर्न प्रोग्राम। सर, वैसे देखा जाए कि ये जो एकेडमिक एडॉप्शन प्रोग्राम है ये पूरे भारत में एक यूनिक प्रोग्राम है, जहाँ पर पढ़ाई के साथ कमाई भी, मतलब बच्चा पढ़ेगा भी और साथ में कमाई भी करेगा। जैसे 15 दिन वो इंडस्ट्री में जाके काम करेगा और 15 दिन कैंपस में वो लर्न करेगा, तो शिक्षा और रोजगार का एक अनोखा संगम जो आपको बद्दी यूनिवर्सिटी में मिलेगा। और जिसमें जो गरीब बच्चे होंगे, जहाँ पे कोरोना में अपने परिवारजनों को खोया है, ऐसे फाइनेंशियली वीक फैमिलीज को भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा और उनको बहुत अच्छा आगे डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम में आएगा। ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है 15 दिन पढ़ने का और 15 दिन इंडस्ट्री में काम करने का, ये कंपनी की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है या कंपनीज आपको कॉन्टैक्ट में ले रही हैं कि आप ऐसा कीजिए? सर, अभी देखा जाए तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अभी जो 2021 का जो पॉलिसी है उसमें यही है कि रोजगार स्किल डेवलप हो। अब जैसे बच्चा बीटेक में लेता है तो उसका डेवलप नहीं होता है, 4 साल के बाद फिर उसको पूछते कि भी एक्सपीरियंस कितना है आपका, तो इस प्रोग्राम में उसको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और जैसे ही उसका प्रोग्राम खत्म होगा उसको वहीं पर प्लेसमेंट भी मिल जाएगा, तो रोजगार और शिक्षा का एक अनोखा संगम है। श्रीनगर में मस्कुवाज गटीडी ने फायर इंसिडेंट ऑन अर्ली ट्यूसडे एट अकालमीर एरिया ऑफ खन्यास इन सेंटर कश्मीर। नौशहरा सेक्टर की बात की जाए तो वहां से जो के फेक करेंसी बड़ी मात्रा में मिली, अभी अगर बात करें तो सूत्रों अनुसार इसकी मात्रा जो है अभी पता नहीं चली। जेके न्यूज ब्रेक हेडलाइंस में आपको ये बता दें कि सूत्रों अनुसार हमें पता चला है कि फेक करेंसी जो है नौशहरा सेक्टर के एरिए से पुलिस ने बरामद की, अभी इस पर प्रेस वार्ता होगी तब आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए जेके न्यूज ब्रेक हेडलाइंस।